किया है तो बज़ाहिर तो सबने अच्छा काम किया है। और इस शो की जब हम वापस जा रहे हैं तो अभी मैंने आज भी बताया था कि एक न्यूयॉर्क से भी कॉल आई थी, तो इंशाल्लाह इसको हम रैप आगे भी करने अच्छा की, नए साल में 2019 में हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे पैमाने पर ज़्यादा शोज़ करने की, क्योंकि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। चलें, तो ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, ख़ासतौर पर आमिर यामिन को जिसने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखा, लिखा। आपने बहुत अच्छा बोला, इमरान खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग है, वरना आमिर मतलब सारे ही लोग के अपने अपनी जगह साथ ही रहते सरदारी भाई हैं। का तो जवाब भी, वो सीनियर भी माशाल्लाह बहुत, तो इसलिए ये सारे के सारे बहुत अच्छा किया। और मैं ख़ास तौर पे इस नोट पे आमिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बेइंतहा सपोर्ट किया हर मरहले पे, और वो इस शो का सारा करता धरता वही है, वो नहीं होता तो शो भी नहीं होता। तो थैंक यू आमिर भाई, लव यू, हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार थैंक करते यू। हैं। ऑफकोर्स हम और सब। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी, आपने मुझे डांटा तो है कि नहीं, लेकिन मुझे पता आप दोबारा एग्री करेंगे। बहुत शुक्रिया थैंक यू आमिर सो भाई। मच। बहुत सी पे हम अभी बात ख़त्म करेंगे क्योंकि मैं लाइफ लाइफ बहुत कर रही हूँ, लेकिन आज हमारा फाइनली आखिरी शो है। तमाम टीम ने अपने काम पे पूरा पूरा 100% दिया, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीत तब होती है जब लोग आपको पसंद करते हैं। तो हम अपने मुंह से बोले कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो कोई काम करना नहीं होगा, मतलब तब है जब लोग बोलेंगे जी ये लोग आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खैर, मैं एक बहुत खूबसूरत फैमिली के घर हूँ, और हमने यहाँ वो पूड़ियाँ खाई जो पाकिस्तान में बहुत कम खाने को मिलती हैं, कीमा पूड़ी, चना आलू, और इसके अलावा बहुत कुछ और था। तो और मैं थोड़ा व्यू दिखाती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत जगह हूँ, बहुत खूबसूरत जगह हूँ, और यही कहूँगी कि हमारा काम अल्लाह का शुक्र बहुत 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 अच्छा हो गया। लेकिन मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बाहर का व्यू आपको दिखाऊं, और ये बहुत सीरियस चीज़ थी जिसके पे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हम जब से आए हम फन 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 कर रहे हैं, और अब बिल्कुल एक मरी जैसा लुक देता है सियाटल। जी मैं सियाटल में हूँ। जो लोग अमेरिका आ चुके हैं वो जानते होंगे, और जो नहीं आए तो उनसे गुजारिश है कि जब भी वो इधर आए। थैंक यू सर। हाँ वाकई बहुत नाइस लोकेशन है, दिखा रही हूँ कि बहुत खूबसूरत वेदर, बहुत हसीन दरख्तों के बीच में सारे घर बने हुए हैं, और बहुत हसीन जगह है। मतलब अभी खैर इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें शो के लिए निकलना है, और शो हमारा 7 बजे शुरू होगा, और यहाँ के 5 बज चुके हैं, यहाँ अभी दिन है, और 7 से 10 तक हमारा शो है। और मैं फिर भी आपको फिर भी दिखाती हूँ, ये देखें बहुत 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 खूबसूरत जगह। और ये कहूँगी कि टीम हमने बहुत दिन साथ रहे, सब कुछ हुआ हमारे आपस में, जैसे वो कहते हैं ना कि चीज़ें हम जब साथ रहते हैं तो हमारी 100 चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन हमारे काम में कहीं फ़र्क नहीं आया, हमारे मूड में कहीं फ़र्क नहीं आया, हमारी एनर्जी में कहीं फ़र्क नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह कि अज़ीज़ के ये बोल कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, तो वो हमारी जीत है, क्योंकि हमें अपने साथ सिर्फ काम लेके जाना था, हमने अपनी अच्छाइयाँ, अपने बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश मिजाज हैं, ये नहीं सुनना था, हमें ये सुनना था कि हाँ आपने काम किया, यहाँ के लोगों को पसंद आया, तो वो हमारी जीत है। तो खैर घर में आपको बाहर से वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि व्यू बहुत हसीन है। अब इमरान खान जी कहूँगी, उनकी जी जी आ रही हूँ, उनकी तकरीर सुनी। लाइट डाल अजीज भाई का। ओह वाओ ये लाइव आ रहा है, ओह माय गॉड। मैं लाइव नहीं आ रहा, मैं अच्छा ये अजीज का सॉन्ग जिसपे इनको पहला अवार्ड मिला था, निगार अवार्ड, और यहाँ से नेपाल की शहजादी इन पे आशिक हो गई थी हमारी भाभी, फिर वो फंस गई इनके साथ और ऐसी फंसी तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। खैर मैं आपको थोड़ी सी वहाँ की लोकेशन भी दिखाती हूँ, और ये हमारे हीरो, कितने साल पुराना है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, और घर बहुत हसीन बना हुआ है, ट्रिपल स्टोरी है, बेसमेंट अलग है और बाहर का अलग है। मैं थोड़ा बंद नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अंदर आना है। तो ये देखिए मैं एक बहुत 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 खूबसूरत जगह हूँ, हल्की हल्की सी ठंड है और ऐसा लग रहा है सिर्फ बादल आपको छू के जा रहे हैं, ये फील यहाँ की है, सियाटल की है। और सियाटल मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना था तो मैं अजीब हो गई थी, ये अमेरिका में कहाँ है, ये अमेरिका में कहाँ है। और जहाँ जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के लोग इतने प्यारे इतने प्यारे इतने प्यारे, और आते ही एक ने तो मुझे बेटी बना लिया, बाकी सब बहुत अच्छे लोग। तो
मैं बहुत लकी हूँ, मैं वाकई बहुत लकी हूँ कि इस वक्त कहते हैं ना मैं अमेरिका के उन उन जगहों पर हूँ जहाँ पर आपके ड्रीम होता है, मतलब ये जगह जो अभी इस ड्रीम से कम नहीं है और बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा है, हवा चल रही है, शाम होने वाली है, 5:30 होने वाले हैं, ये देखें सूरज भी कर यहाँ पर देर तक लाइट रहती है, देर तक काफ़ी देर तक, लेकिन ये कि चलें अंदर चलते हैं, मैं आपको बाकी बाद में दिखाऊंगी क्योंकि बहुत हसीन जगह है, एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये जो लाइफ मैंने किया था इसलिए किया था कि हम अपने शो के बारे में आपको बता सकें और पूछ सकें कि अज़ीज़ वारसी का हमारे बारे में क्या कहना है, और साथ साथ थैंक यू सो मच आमिर मखानी सर, शबाज सर, राहिल, मतलब मैं सबका रिहान, जितने भी लोग इससे जुड़े थे जिन्होंने शो के लिए हम लोगों को बुलाया था और हम पे एतमाद जाहिर किया था, उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। और यहाँ से ज़रा मैं अब अंदर जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया, तैयार होंगे अब तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा दिखाऊंगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा प्यार, और मेरी माँ की दुआओं का ये नतीजा है कि आज मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ, और सबसे बड़ी बात दुनिया घूमना बड़ी बात नहीं होती, दुनिया घूमकर अपना लोहा मनवाना बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं अल्लाह के बाद अपनी फैमिली, अपने दोस्तों का शुक्र अदा करूँगी। हाफिज़।